आगे बढ़ते हैं। राजधानी के आगरा रोड और इसके आसपास के इकोलॉजिकल जोन में 9 साल से अटकी विकास की राह खुल गई है और अब जेडीए पुराने मास्टर प्लान के मुताबिक ही खुद की नई योजनाएं ला सकेगा, क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों की अनुमति भी दे सकेगा। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी में आगरा रोड का विकास का रास्ता खुल गया है। आगरा रोड और इसके आसपास के इकोलॉजिकल जोन के विकास में 9 साल से रोड़े अटके थे, लेकिन अब विकास का रास्ता साफ हो गया। 481 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पुराने मास्टर प्लान में इकोलॉजिकल जोन बताया गया है। अब कानूनी तौर पर साफ हो चुका है कि जेडीए किस तरह की योजनाएं ला सकता है और किन गतिविधियों की अनुमति दे सकता है। विधिक स्थिति साफ होने के बाद अब लंबे समय से अटके प्रकरणों में आगे बढ़ा जा सकेगा। जयपुर के इकोलॉजिकल जोन से जुड़े पूरे मामले की बात करें तो जयपुर शहर का पिछला मास्टर प्लान 2011 में लागू हुआ था। मास्टर प्लान में भू उपयोग परिवर्तन किए गए थे। इन बदलावों के खिलाफ 2004 से जनहित याचिका लंबित थी। गुलाब कोठारी प्रकरण में हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर 2010 को अहम आदेश दिया था। आदेश के तहत तत्कालीन मास्टर प्लान में दर्शाए गए इकोलॉजिकल जोन में भू उपयोग बदलाव पर रोक लगा दी गई थी। जेडीए ने 2011 में 2025 तक के लिए नया मास्टर प्लान लागू किया, जिसमें इकोलॉजिकल जोन को U1 एरिया में शामिल किया गया था। गुलाब कोठारी प्रकरण में 12 जनवरी 2017 को हाई कोर्ट ने पुराने मास्टर प्लान में दर्शाए गए इकोलॉजिकल जोन को यथावत रखने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ जेडीए और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसले के लिए बृहद पीठ के गठन के आदेश दिए। हाई कोर्ट की बृहद पीठ ने 15 दिसंबर 2018 को पुराने मास्टर प्लान के अनुसार इकोलॉजिकल जोन यथावत रखने के 12 जनवरी 2017 के आदेश में बदलाव से इनकार कर दिया। जेडीए ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी से विधिक राय मांगी। विधिक राय में जेडीए ने पूछा था कि इकोलॉजिकल जोन में क्या पुराने मास्टर प्लान के अनुसार काम किया जा सकता है, जिस पर मनीष सिंघवी ने राय दी है कि इकोलॉजिकल जोन को लेकर कोई विधिक अड़चन नहीं है। जेडीए पुराने मास्टर प्लान की पालना में काम करता है तो कोई विधिक अड़चन नहीं है। सरकार पुराने मास्टर प्लान के अनुसार गतिविधियों को स्वीकृति देने के लिए स्वतंत्र है। विधिक स्थिति स्पष्ट होने पर जेडीए के क्षेत्र में प्रस्तावित रिसोर्ट्स और फार्म हाउस योजना लागू की जा सकेगी। गोनेर रोड के पास गोविंदपुरा रूपाड़ा 50 फार्म हाउस और 20 रिसोर्ट्स प्रस्तावित किए गए हैं। राजस्व ग्रामों की आबादी विस्तार के लिहाज से अस्पताल और स्कूल जैसी जरूरी गतिविधियां भी हो सकेंगी। पुराने मास्टर प्लान के अनुसार इकोलॉजिकल जोन यथावत रखने के आदेश के खिलाफ जेडीए दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन मामले में जल्द फैसला नहीं होने के चलते तंगहाली से जूझते जेडीए ने आखिरकार पुराने मास्टर प्लान के अनुसार ही क्षेत्र में गतिविधियों की स्वीकृति देने के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता से विधिक राय मांगी। मामले में मिली अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी की राय वाकई अहम और जेडीए के लिए अनुकूल है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।